स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा, कुछ भी कहें, यह झारखंड की जीवन रेखा है। इस नदी की रेत में सोने के कण हैं और इसके पानी में जिंदगी। झारखंडियों के लिए यह केवल नदी नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे यह संस्कृति, संघर्ष और जीवन का पर्याय है। स्वर्ण रेखा की धाराएं आदिकाल से झारखंडी समाज में समानांतर गतिशील रही है। पहाड़ी रास्तों से उतरते हुए स्वर्ण रेखा की जलधाराओं ने अनेक गांवों, कस्बों और शहरों को जन्म लेते देखा है। इसके बहाव क्षेत्र में कई लोक व्यवहार ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वर्ण रेखा पर आधारित है। जीवन के कठोर संघर्षों के बीच स्वर्ण रेखा झारखंडियों के लिए जीवन धारा बनकर बहती रहती है। इसने इलाके के लोगों को जीवन दिया है और इस जीवन का विस्तार इंसानों तक ही नहीं, प्रकृति के अन्य प्राणियों और जंगलों तक फैला हुआ है। यह नदी सभ्यता यात्रा की साक्षी और हम सफर है। लोक गीतों से लेकर लोक कथाओं तक में स्वर्ण रेखा का जिक्र आता है। इसके बहाव क्षेत्र में जंगल जीवन और संस्कृति गतिशील है और झारखंड में खेती के लिए यह जीवन जल। तभी तो लोक गीतों में स्वर्ण रेखा के तराने गूंजते हैं। इसके किनारे प्रेम की बंसी बजती है और बसंत के मौसम में जब जंगल में टेसू सेमल खिलते हैं, तब स्वर्ण रेखा की धाराओं में लाल छवि बन जाती है। मगर ऐसा क्या हुआ जो यह महान सांस्कृतिक जीवन दायिनी नदी आज बेबस लाचार होकर खुद जीवन के लिए तरस रही है।